हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद टीचिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची पकौड़ा, जिसे मिर्ची वड़ा भी कहते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। इसके अंदर तीखे चटपटे आलू की फिलिंग है, आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, और ऊपर कोटिंग है बेसन की। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। मैं यहाँ पर 6 मिर्ची बनाऊँगी, तो उसके अकॉर्डिंग 4-5 चम्मच बेसन इनफ है। आप इसके साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हो अगर आपके पास हो। फिर मैं इसमें मिला रही हूँ अजवाइन, क्योंकि ये बेसन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और साथ में ही मिलाएंगे यहाँ पे हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है आप थोड़ी और ज़्यादा लाल मिर्च ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा काला नमक। पहले इसे ड्राई फॉर्म में ही इसे मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करना है। कितना पतला रखना है ये बैटर, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसका बैटर थोड़ा सा पतला ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। उसके बाद हम इसे ढक देंगे, क्योंकि ढकने के बाद थोड़ा सा बेसन फूल जाएगा। ये मैंने हरी मिर्च ली है, इसे वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगा के इसके अंदर जो भी इसके बीज होते हैं और जो इसका पार्ट होता है एक्स्ट्रा, वो निकाल लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हो, या फिर आप इस पार्ट को जो आलू का मिक्सचर है उसमें भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से स्पून की हेल्प से खाली कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस बनाऊंगी। अब रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पे मिक्सचर आलू का। इसके लिए लेने हैं कुछ खड़े मसाले, धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ। इसे बस दरदरा कूटना है, ज़्यादा नहीं पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिर्चों में। अब एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ही कम हीट पे होना चाहिए ताकि ये मसाले जले ना। तो सबसे पहले ये ड्राई मसाला रोस्ट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन लिया था, उसे कूट लिया था उसी मॉर्टल पिस्टल के अंदर। और इसे अब थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत कड़वा टेस्ट आएगा। अब इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और जो बॉयल्ड आलू थे उसको यहाँ पे मैश करके, रफली मैश कर सकते हो, ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, लास्ट में हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका पानी सूख जाए अच्छे से। अब आप सोच रहे होगे ये मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये मिर्चों के ऊपर कट लगा रही हूँ, स्क्रैच कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब हम बेसन की कोटिंग करते हैं तो बेसन अच्छे से मिर्चों से चिपक जाता है और निकलता भी नहीं है, और जब खाते हैं तो बेसन अचानक से नहीं निकलता है, अलग से उसकी पपड़ी नहीं निकलती है, इसलिए ज़रूरी है ऐसा करना। जो आलू का मिक्सचर रेडी किया था उसको अब इसके अंदर भरेंगे। आप स्पून की हेल्प से भी भर सकते हो, बट मुझे ये लगता है कि हाथ से बहुत अच्छे से भरा जाता है, अंदर तक पूरी अच्छे से फिलिंग हो जाती है। इसी तरीके से आलू की फिलिंग हम सारी मिर्चों में फिल कर देंगे। सारी मिर्चें अच्छे से भर गई हैं। बेसन के अंदर मैं बेकिंग सोडा मिला रही हूँ और लास्ट में थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करने से पकौड़े में क्रिस्पी टेस्ट आता है बहुत। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट है। अब एक एक मिर्च को हम पकड़ेंगे इसकी स्टेम से, डिप करके इसे तेल के अंदर डाल देंगे। ऐसे ही आप 2 से 3 मिर्च एक साथ डाल सकते हो। मेरे यहाँ इसे मिर्ची पकौड़ा कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हरी और लाल मिर्च का अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मिर्च का अचार बहुत पसंद है तो आप रेसिपी देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोड है। गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े रेडी हैं, अब इसे निकाल लेंगे। जिन लोगों को बेसन की थिक कोटिंग पसंद है मिर्ची के पकौड़े में, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक बार डिप करके फ्राई कर लें और 1 मिनट के बाद ही तेल से निकाल लेंगे और दोबारा उसे बेसन की कोटिंग में डिप करेंगे। स्लो गैस पे उसे फिर फ्राई करेंगे ताकि मिर्चें अच्छे से अंदर तक पके और ऊपर की कोटिंग भी आराम से पक जाए। लीजिए, रेडी है गर्मा गर्म मिर्ची पकौड़ा। इसे सर्व किया है मैंने चटनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।